हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका स्टाइल शेफ आदर्श कुमार और हम कीटो की एक और रेसिपी के साथ आज आए हैं। आज मैं अपने उन फिश लवर्स के लिए वो रेसिपी लेकर आया हूं जो आप घर पे आराम से बना सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छी डिश है जो फिश पसंद करते हैं और नॉर्मली जो डाइट पे नहीं है, मगर उनको हमेशा से केरला स्टाइल वो मसाला फिश कैसे बनता है ये देखना था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे, मैं यहाँ ले रहा हूँ एक चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर देगा, तो एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच काली मिर्च ब्लैक पेपर, एक चौथाई चम्मच यानी 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सॉल्ट और आधा नींबू का रस। फाइनली हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स करके इस मिक्सचर में ही हमको हमारा फिश जो है बढ़िया सा फिश, उसको हम मैरिनेट कर लेंगे और एक आधे घंटे के लिए इस फिश को हम इसमें मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें हम हमारे फिश के पीसेस को डालेंगे एक एक करके और अच्छे से कोट कर लेंगे मसाले में। देखिए मसाले एकदम हर पोर्शन में आप फिश के डालिए। यहाँ मैंने रोहू फिश यूज करी है, बट ये मसाला आपको सबसे ज्यादा टेस्ट देगा सी फिशेज में, जैसे टूना, मैकरेल, सार्डिन्स, तो वैसे वाले इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने हमारी फिश को मैरिनेट कर दिया अच्छे से। अब इसको मैं 30 मिनट से एक घंटे तक इसको मैं फ्रिज में रख के अब इसको मैरिनेट होने दूंगा, तो मिलते हैं हाफ एन आवर बाद। तो चलिए आधे घंटे हो गए हैं, अब टाइम आ गया है फिश को फ्राई करके खाने का। तो मैंने यहाँ पे पैन गरम कर दिया है, उसमें मैं कोकोनट ऑयल डाल रहा हूँ क्योंकि केरला कुजीन मतलब कोकोनट ऑयल, उसी का फ्लेवर आना है। बट उसके अलावा कोकोनट ऑयल इज अ वेरी हेल्दी ऑयल, इसमें MCT बहुत हाई होता है, तो ये वाली डिश कीटो वाले दोस्तों के लिए भी बहुत काम आएगी। तो अभी तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा सबसे तगड़ा इंग्रेडिएंट, दैट इज कड़ी पत्ता, जो एकदम फ्लेवर देगा। तो हमारा कड़ी पत्ता अच्छे से यहाँ पे पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा इंग्रेडिएंट फिश। अब इसमें फिर हम फिश के पीसेस रख के शैलो फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस टाइम पे। ऑयल को इसमें चारों तरफ आप ऑयल फैला लीजिए और अब हम इसको ढकेंगे, ढक के 1-2 मिनट के लिए हम लोग इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद साइड इसकी हम चेंज कर देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको पलट लेंगे और इसको फिर से हम 3-4 मिनट तक और पकाएंगे। फ्लिप कर लेंगे इसको ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। ये मसाला एकदम बढ़िया आया है और परफेक्टली कुक हो रहा है हमारा फिश। तो अभी तो हमारे 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये देखिए एकदम परफेक्टली पक चुका है हमारा फिश। अब हम इसको गैस बंद कर लेंगे और इसको करेंगे गार्निश। अब इसके साइड में हम थोड़े से प्याज के छल्ले जो होते हैं, मैंने प्याज के छल्ले बनाए हैं, तो प्याज के छल्लों को हम साइड में रखेंगे क्योंकि फिश के साथ में प्याज अच्छा जाता है। तो इन छल्लों को आप साइड में रखें और थोड़ा सा अगेन वॉल्यूम दें, आपको हाइट देनी है, हाइट देने से 3D इफेक्ट आता है। उसके बाद हम डालेंगे जो अगली हमारी रिसोर्स है वो है नींबू, तो नींबू को आप यहाँ पे फैला दें। एंड करिए हमने जो फ्राई करा कड़ी पत्ता है उसको आप साइड में दें जिससे वो प्लेट में आपको कलर देगा अलग सा। और फिश के ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा, मैंने ग्रिल कर लिया था, ग्रिल किया हुआ नींबू, और ये आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट।